कल देश के अंदर जो है ऑल ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी वहां पर मौजूद थी, और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि जितने भी अपोजिशन नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे, जिसमें ममता बनर्जी का अगर जिक्र करते हैं तो उनके द्वारा दो नामों का रेकमेंड किया गया है, जिसमें आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर जिक्र करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का नाम रेकमेंड किया गया है, और इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण जी हैं उनका भी नाम जो है वो रेकमेंड किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो नाम रेकमेंड किया गया है ये राष्ट्रपति के लिए जो है वो नाम रेकमेंड किए गए हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए प्रोविंशियल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। शेख साहब हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखते हैं, आप ही के पार्टी के रहनुमा का अगर जिक्र करते हैं तो उनका नाम इस लिस्ट में आना आपके लिए क्या क्या कुछ रिएक्शन है? थैंक यू। हमारा रिएक्शन यह है कि अभी तो ऑफिशियल रिएक्शन फारूक साहब का नहीं आया है कि फारूक साहब इस मामले में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सारी अपोजिशन पार्टियाँ मिल के फैसला करती हैं कि फारूक साहब जो हैं वो कैंडिडेट हो सकते हैं अपोजिशन की तरफ से, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज की डेट के ऊपर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी का जो तसव्वुर है, डेमोक्रेसी का जो वजूद है, वो अपोजिशन के ऊपर होता है। जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी के पास हो तो वो खतरा होता है। 2014 के बाद 2014 में जो बीजेपी को मैंडेट मिला तो उन्होंने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को रोंदना शुरू कर दिया, और बहुत से फैसले, बड़े बड़े फैसले बीजेपी ने किसी भी अपोजिशन पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उसको मैं कहता हूँ कि ये पावर के नशे में वो फैसला लेते हैं। हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में ये होता है कि अपोजिशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको कॉन्फिडेंस में लेना अच्छी बात होती है, उसी से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। इंडिया को ये फ़ख्र है कि इंडिया जो है 47 के बाद जब आज़ाद हुआ था तो आज तक वो डेमोक्रेटिक सेटअप की वजह से बड़ा मजबूत मुल्क बना है, लेकिन 2014 के बाद 2019 के इलेक्शन हुए मुल्क बना है, लेकिन 2014 के बाद 2019 के इलेक्शन हुए और लोगों ने फैसला दिया, एक पार्टी को मैंडेट दिया, लेकिन वो डेमोक्रेसी का पास नहीं रखते हैं। और अपोजिशन ने जो फैसला लिया है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें जिस तरह आपने कहा कि सब अपोजिशन ने मिल के फैसला लिया है, तो हार जीत तो रब के हाथ में है, लेकिन ये हकीकत है कि बीजेपी जो है वो पावर के नशे में बहुत कुछ कर जा रही है। क्या आपको लगता है कि भाजपा पावर के नशे में सत्ता के अंदर जो है किसी तरह का दुरुपयोग कर रही है, आपको क्या लगता है? ये इसका मिसयूज़ नहीं कर रही है, बल्कि ख़तरनाक किस्म का मिसयूज़ कर रही है। बहुत सी चीज़ें इंडिया के अंदर उन्होंने की हैं जिसमें अपोजिशन को कॉन्फिडेंस तक नहीं ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए विपक्ष जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? स्ट्रांग अपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मानते हैं कि विपक्ष इस समय कमज़ोर है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अपोजिशन है जो कहीं ऑर्गेनाइज नहीं है, और ममता बनर्जी ने मुकाबला किया बंगाल के अंदर बीजेपी के साथ, इसी तरह बहुत सी और जगहों के ऊपर ऐसा हुआ, तो लोगों को एहसास होने लगा कि हुकूमत को चलाने के लिए मजबूत अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हम मानरिच अनार्की की तरफ जाएंगे। अब जैसे कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति चुनाव होने हैं तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी नाम उसमें रिकमेंड किया गया है, अगर उसके लिए वो आगे मानते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं? फारूक साहब जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं, फारूक साहब सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर माने हुए लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे इसको कोई माने या ना माने। इस वक्त फारूक साहब का जो कद है वो इंटरनेशनल लेवल का है, और अगर अपोजिशन ने मिल के ये फैसला किया है तो ये फ़ख्र की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ
प्रोफेशनल सेक्रेटरी इस समय बातचीत कर रहे थे और जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिनका अब नाम जो है वो सामने आया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का जिक्र करते हैं, या फिर उनके साथ दूसरे कैंडिडेट का जो नाम गोपाल कृष्ण जी जिनका नाम रेकमेंड किया गया है। अब देखने वाला समय होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी वो इस रिकमेंडेशन को किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किस तरह से फैसला लेती हैं। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए, कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ।